आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को जन दर्शन लिया। इस बीच जिले के अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। इस बीच कलेक्टर के पास पानी, बिजली, सड़क और राजस्व के अलावा अस्पताल को लेकर शिकायत आई। वही कलेक्टर के पास आमजनों ने यह भी बताया कि कई अफसर ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं, जिनके पास बार बार जाकर भी कोई मतलब नहीं होता है, इसी वजह से यहां पर आना पड़ा। इधर कलेक्टर ने आमजनों की फरियाद सुनकर संबंधित अफसरों को तलब किया और चेतावनी तक दे डाली कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना हमारा काम है, इसीलिए जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश जल्द की जाए। वहीं कलेक्टर ने जनता से पानी, बरसात और खेती किसानी को लेकर भी चर्चा की, जिसमें गर्मी में नहर से पानी नहीं मिलने की बात हुई। इस अवसर पर जिले के बड़ी संख्या में फरियादी आए रहे, जिन्होंने अपना दुखड़ा नए कलेक्टर के पास रोया। जन दर्शन के दौरान ही कलेक्टर ने अफसरों को बोल दिया कि किसी को भी बार बार ना बुलाया जाए, बल्कि पेंडिंग काम जल्द निपटारा किया जाए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।